दो बच्चियों के यौन शोषण के खिलाफ थाने के बदलापुर में आक्रोश, स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, दोषियों को फांसी की मांग। थाने के बदलापुर में प्रदर्शनकारियों ने स्कूल में की तोड़फोड़, जिस स्कूल में यौन शोषण हुआ वहां की जमकर तोड़फोड़। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस, आरोपी गिरफ्तार लेकिन नहीं थम रहा हंगामा। थाने में बच्चियों के यौन शोषण पर शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बड़ा बयान, बोले पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, आरोपी अक्षय को गिरफ्तार किया गया। बदलापुर घटना पर शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे का बड़ा बयान, बोले पुलिस के पास लॉ एंड ऑर्डर के अलावा सारे काम, गृह मंत्रालय काम नहीं कर रहा। कोलकाता रेप मर्डर केस में नहीं थम रहा प्रदर्शन, पुलिस और एबीवीपी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज। डॉक्टर रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनाई नेशनल टास्क फोर्स, चीफ जस्टिस बोले बदलाव के लिए एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। रेप मर्डर केस में एफआईआर पर देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा जब ऑटोप्सी में था साफ ये मर्डर केस तो इतनी देर बाद क्यों दर्ज हुई एफआईआर, क्राइम सीन से छेड़छाड़ को बताया राज्य सरकार की नाकामी। कोलकाता कांड को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का ममता सरकार पर हमला, बोले बेटी को न्याय दिलाने के बजाय सच दबाओ, सबूत मिटाओ और आरोपी बचाओ कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। कोलकाता मर्डर केस पर बोले गिरिराज, ममता बनर्जी पर भी चले केस, ममता गुनहगारों को बचा रही है, वो खुद किम जोंग समझती हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी की मुलाकात। रद्द होगी यूपीएससी में लेटरल एंट्री से भर्ती, पीएमओ में राज्य मंत्री ने यूपीएससी को लेकर लिखी चिट्ठी, केंद्र सरकार बोली सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है पीएम। यूपीएससी लेटरल भर्ती पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा लेटरल भर्ती के बहाने आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी, ये लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारी सुरक्षा के बीच उदयपुर में हुआ छात्र देवराज का अंतिम संस्कार, चाकूबाजी में घायल देवराज ने कल तोड़ा था दम, पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी का भी वादा। उदयपुर घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दुख जताया, उन्होंने कहा पीड़ित परिवार के साथ देवराज के परिजनों को इंसाफ जरूर मिलेगा। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश की वजह से अचानक आया सैलाब, फंते नाले के बीच रिसोर्ट में फंसे 17 लोगों को रस्सी के जरिए निकाला गया, उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत। सिक्किम में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, दो मंजिला इमारत पर गिरा पहाड़ का मलबा, मलबे में दबने से इमारत पूरी तरह से तबाह हुई नजर आई। दिल्ली में भारी बारिश के बाद हाल बेहाल, एक घंटे की बारिश के बाद ही सड़कें दरिया बनी नजर आई, जगह जगह जल भराव से लोगों की बड़ी परेशानी, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। हैदराबाद में अचानक बाढ़ आने की वजह से कई कार्यवाही, कई निचले इलाकों में हुआ जलभराव, जनजीवन बुरी तरह से यहां प्रभावित। राजस्थान के टोंक में भी पानी के तेज बहाव की वजह से डूबी पिकअप, चालक ने गाड़ी के ऊपर चढ़कर बचाई जान, रेस्क्यू के लिए किया जा रहा इंतजाम। राजस्थान के जोधपुर में बदमाशों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़, तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।